तो फाइनली आपका क्लास 10th ओवर हो चुका है। आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। लेकिन सवाल ये है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपने मार्क्स से सेटिस्फैक्शन नहीं है, यानी कि जितना आपने लिखा था घर में आकर चेक किया था कि मेरा इतना मार्क्स आना चाहिए। बहुत से बच्चे का ये शिकायत है, व्हाट्सएप पे आया है, कॉल पे ये शिकायत आया कि भैया मुझे मार्क्स जो है वो बहुत ही कम मिला है, कट गया है मेरा मार्क्स, मैंने लिखा था जो है उस हिसाब से बहुत कम मार्क्स आया, अब क्या करें आगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ये चीज कि आपको आगे एक्चुअल में करना क्या है, जिससे कि आपका मार्क्स अगर वाकई में कटा है तो वो इंक्रीज कैसे हो। बाय द वे, इससे पहले कि हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएं, फॉर्म एक मैंने बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जितने भी स्टूडेंट्स आप में से कॉन्सेप्ट इरा से आपने स्टडी किया है और एग्जाम दिया है, प्लीज आप लोग जाएं और जाकर उस फॉर्म को फिलअप करें अपना कीमती समय निकालकर। इससे दो फायदा है, पहला ये कि आने वाले जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा उस फॉर्म के थ्रू, एज वेल एज कॉन्सेप्ट इरा को कैसे इंप्रूव किया जाए इसका भी आइडिया हम लोगों को मिलेगा और कॉन्सेप्ट इरा और बेटर बन पाएगा WBSC बोर्ड के लिए। ओके, तो व्हाट आर द पॉसिबल मेथड्स टू इंक्रीज योर मार्क्स। दो तरीका है आपके पास, एक आपके पास है PPR, दूसरा आपके पास है PPS। ये दो ऑप्शन आपको दे रखा है गवर्नमेंट ने। PPS का मतलब हो गया पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी और PPR का मतलब हो गया पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू। अगर समझ नहीं आया है कोई बात नहीं, एकदम अच्छे से इसको समझते हैं। PPR का मतलब ये होता है कि अगर आप PPR के लिए अप्लाई करते हो तो जो आपका पेपर है उसको क्या किया जाएगा, रीचेक, री एवेलुएट किया जाएगा फ्रेश तरीके से। यानी एक एग्जामिनर आएंगे जो कि पूरा का पूरा पेपर को आपका चेक करेंगे। ओके, कहां कहां पे क्या आंसर आपने लिखा है, जैसे पहली बार चेक हुआ था वैसे फिर से चेक होगा। वहीं पे जो PPS वाला ऑप्शन है वहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को रिकैलकुलेट किया जाएगा कि कहीं मार्क्स को कैलकुलेट करने में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं हो गया ना, कोई आंसर का आप मार्क्स दिया हुआ है लेकिन जब उसको टोटल किया गया तो वो गलती से छूट गया जोड़ना, तो उस तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो PPS के थ्रू क्या होगा, आपका कैलकुलेट करके वापस से जो एक्चुअल में मार्क्स है वो लिख दिया जाएगा और अपडेट हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है और वो इशू ये है कि जो बच्चे फेल हुए हैं किसी सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ वही PPR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो बच्चे सारे सब्जेक्ट में पास हैं वो सिर्फ और सिर्फ PPS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पास हो, मार्क्स कम आया है, तो आप अगर PPS के लिए अप्लाई करोगे तो आपका जो पेपर है वो वापिस से रीचेक नहीं होगा बल्कि जस्ट आपका जो मार्क्स है उसको रिकैलकुलेट कर लिया जाएगा। ओके, और वहीं पे PPR में क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है। वेल, PPR के लिए आप लोगों को ₹50 पर सब्जेक्ट पे करना है और PPS के लिए आप लोगों को ₹40 पर सब्जेक्ट पे करना है। नाउ क्वेश्चन ये है कि हाउ टू अप्लाई फॉर PPR और PPS, जो भी आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप किसके लिए अप्लाई, मतलब कितने कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोनों के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। अभी आपको जो है वो स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, एक पेपर दिख रहा होगा जिस एप्लीकेशन का, जिसको आपको फिल करना है और फिल कर क्या करना है, जाकर अपने स्कूल के प्रिंसिपल या हेड जो भी है उनको सबमिट करना है जाकर और बताना है, या फिर आप नहीं भी बताओगे तो ऑलरेडी उस एप्लीकेशन में सब कुछ लिखा रहेगा, बाकी का काम आपके स्कूल वाले कर लेंगे। ऑनलाइन जो है वो उन लोगों को सबमिट करना रहेगा वेबसाइट पे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ओके, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिससे कि आप या तो PPS या तो PPR, जो जिसके लिए भी आप एप्लीकेबल हो या जो भी आप करवाना चाह रहे हो अपने रिक्वायर्ड कंडीशन के हिसाब से वो करवा सकते हो, और अगर कहीं पे एरर हुआ होगा मार्क्स में तो वो बढ़ या फिर बढ़ सकता है बेसिकली। ओके ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं भैया क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हमारा मार्क्स कम हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है और बहुत ज्यादा रेयर केसेस में ऐसा होगा कि मार्क्स कम हो जाएगा। ओके, ज्यादा चांस यही रहेगा कि अगर गलती हुआ होगा तो मार्क्स आपका बढ़ेगा या फिर जितना है आपका उतना ही रहेगा, कम होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिमाग में उतना टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे मेरा ओपिनियन क्या है, शुड यू अप्लाई और नॉट, आपको PPS या PPR के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। पहले बात करते हैं PPR के लिए, जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको PPR के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप घर आए थे एग्जाम देकर और उसके बाद आपने चेक किया था कि मैंने क्या क्या लिखा है और आपको लगा कि हाँ मेरा 40 मार्क्स आराम से आ जाएगा, लेकिन जब आप इसकी देख रहे हो रिजल्ट अपना तो 15 17 18 इसी में अटक कर रह गया है, इसका मतलब ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का डिफरेंस हो गया है। ओके, इस केस में आपको बिना किसी और से कुछ सजेशन लिए जाना है और अपने एप्लीकेशन को फिल करना है जिस भी सब्जेक्ट में आपके साथ ये इशू हो रहा है और जाकर अपने स्कूल में ये चीज को आप सबमिट करें। ओके, कुछ और नहीं सोचना है। वहीं पे PPS के बारे में अगर मैं बात करूं तो PPS में क्या है कि अगर आपने जो लिखा था, सेम यहां पे भी रूल फॉलो होगा, अगर आपने जो लिखा घर में आकर चेक किया, चेक करने के बाद आपको पता चला कि हाँ मेरा इतना मार्क्स आ जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया है आपका तो उसमें ऑलमोस्ट 20 मार्क्स 15 मार्क्स का डिफरेंस आ गया,
यानी कम आ गया है। ओके, तो क्या करना है इस केस में आपको भी चाहिए कि आप जाएं और जाकर फॉर्म फिलअप करें और उसके बाद आप अप्लाई करें। ओके, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप कॉन्फिडेंस हो कि मैंने लिखा था तो फिर कटने का कोई सवाल नहीं होता है, या तो उतना ही रहेगा या तो फिर बढ़ेगा। ओके, ये आपका प्रोसेस हो गया सारा। नाउ ये क्वेश्चन आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा कि भैया हमारा रिजल्ट कब आएगा ये पीपीआर या पीपीएस का, तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में आने का चांसेस है, कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं खुद श्योर नहीं हूं कब आएगा, लेकिन आगे भी हो सकता है, डेट पीछे भी हो सकता है। मानकर आपको चलना है कि अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो के थ्रू जितना भी अच्छे से और डिटेल में इंफॉर्मेशन हो सकता था वो मैंने आपको दिया, और एज वेल एज मैंने अपना ओपिनियन भी दिया कि आप में से किन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए। ओके, अच्छा, डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म का लिंक मैंने दिया है उसको जाकर आप लोग जरूर फिल करें, ताकि जो आने वाले क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उसके लिए हम लोग और बेहतर तरीके से सारे चीज़ों को प्रिपेयर कर पाएं। अच्छा, आप में से जितने स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो अपना चेक्ड आंसर स्क्रिप्ट को एक बार अपने से देखें, यानी कि आपने आंसर लिखा था जिस पेपर में वो पेपर चेक हो गया है, चेक होने के बाद आप चाहते हो कि वो पेपर को मैं देखूं कि उस पेपर में कहां कहां पे मैंने गलती किया है, या फिर जो भी आपका रिक्वायर्ड रीजन हो, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि अपने चेक्ड आंसर स्क्रिप्ट को देखना तो उसका क्या प्रोसेस है, अगर आप चाहते हो जानना तो आप कमेंट में जाकर जरूर लिखें कि भैया मैं चाहता हूं कि अपना जो आंसर स्क्रिप्ट है उसको देखना चाहता हूं मैं, क्या मेथड है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। जब उस कमेंट के ऊपर 50 लाइक्स आ जाएगा तो मैं वो वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, और जितना जल्दी हो सके आप लोगों के लिए वो वीडियो ले आऊंगा। ओके, 50 लाइक्स इसलिए बोल रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि हाँ वाकई में जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं के इस टॉपिक पे वीडियो आए। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ आखिरी शब्द, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, और हाँ एक बात और याद रखें कि मार्क्स बस एक छोटा सा रास्ता है वहां तक जाने के लिए जहां पे आप जाना चाह रहे हो, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का, रास्ता और भी है। अपना ख्याल रखिए और डिटरमिंड रहिए। थैंक यू।